केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने मध्य प्रदेश प्रवास के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। इंडिया गठबंधन द्वारा खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दिए जाने पर स्मृति ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पन्ना खजुराहो सीट पर कांग्रेस मैदान छोड़ चुकी है। केंद्रीय मंत्री के बयान पर कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने पलटवार किया है। कुणाल चौधरी ने कहा कि बीजेपी को सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन से डर है। अगर इंडिया गठबंधन से डर नहीं होता तो बड़े दिग्गज नेताओं को लाकर आम सभा और रैलियां नहीं करते। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 29 की 29 सीटों पर डटकर मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी खजुराहो में आई थी और बड़ी नेता है, केंद्र में मंत्री भी है। मोदी जी ने कहा था कि 2700 रुपए क्विंटल गेहूं किसानों से खरीदेंगे। मोदी जी ने कहा था कि 2700 रुपए क्विंटल गेहूं किसानों से खरीदेंगे, उसका क्या हुआ? मोदी जी ने कहा था कि बहनों को 3000 से लेकर 10000 तक राशि उपलब्ध कराएंगे, उसका भी क्या हुआ? बता दें कि प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में एकमात्र सीट है जो कि इंडिया गठबंधन के पास है। यहां से कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतार रही है, समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। इस सीट पर बीजेपी विरुद्ध सपा के बीच मुकाबला है। इंडिया गठबंधन से जितना डर भारतीय जनता पार्टी को, अगर इतना मैदान छोड़ चुके थे तो आने की जरूरत क्या थी? अगर यहाँ पे मैदान में खाली था, कोई सामने ही नहीं है, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी वहां पे इतने बड़े बड़े नेताओं को ले जाके इतनी बड़ी बड़ी बातें करी? स्मृति जी आई थी, केंद्र के अंदर मंत्री रही, बड़ी नेता है, तो ये बता के जाती कि मोदी जी ने जो गारंटी दी थी कि 2700 रुपए क्विंटल गेहूं का क्या हुआ, मोदी जी ने गारंटी दी थी कि बहनों को 3000 रुपए से शुरू करके 10000 तक लेके जाएंगे, धान के 3100 रुपए क्विंटल करने का काम करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे। और स्मृति जी सबसे बड़ी बात वो करती तो बेहतर होता जब गैस की टंकी 380 थी। इनके बड़े बड़े फोटो वायरल होते थे कि उस महंगाई को डायन कहती थी और गैस की टंकी को लेकर बैठा करती थी। आज 1000 से ऊपर हो गई तो ये डायन महाडायन हो गई कि ये इनका विकास पागल हो गया, पेट्रोल डीजल गैस, इस पे बात करती तो ज्यादा बेहतर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।